हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ पे हम लोग प्लांट रिस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, लिंक रिएक्शन को देखा था। लिंक रिएक्शन क्या होती है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें आपका पाइरूविक एसिड बनता है, जो पाइरूविक एसिड जो आपका एस्टर कोएंजाइम में टूटता है उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को टूट रहे हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी सब्सट्रेट को टूटते हैं, जनरली क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लोगों ने क्या लिया, ग्लूकोज को लिया है। तो देखते हैं ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पाइरूविक एसिड में। जे रिएक्शन कहाँ होती है, आपकी इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। सेल के साइटोप्लाज्म हमने क्या किया, ग्लूकोज को पार्शली तोड़ लिया और वहाँ पे क्या बना लिया, पाइरूविक एसिड बनाया। फिर हम लोग क्या करिए, जो पाइरूविक एसिड बना उसको लेके हम लोग माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग लिंक रिएक्शन में होती है और क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, जो आपका पाइरूविक एसिड बना था वो आपका एस्टर कोएंजाइम में टूट गया था। ये भी रिएक्शन कहाँ, जो रिएक्शन कहाँ होती है आपकी माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। जो आपका एस्टर कोएंजाइम बना जो आपका कहाँ जाएगा, जो आपका क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। क्रेब साइकिल भी आपकी कहाँ होती है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक, तो उसी क्रेब साइकिल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हम लोग एस्टर कोएंजाइम तक पहुँचे हैं। अब एस्टर कोएंजाइम से हम लोग आके इसका फर्दर डिकम्पोजिशन को देखते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसके क्या है, तीन नाम है। ठीक, क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले क्रेब नामक साइंटिस्ट ने की थी। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका इसमें बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड आपका सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तीसरा आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आपका जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें आपका 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, आपका COOR या COOH। ओके, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड में आपका 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए 3 for ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। कहाँ होती है आपकी, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में एस्टर कोएंजाइम में बनाया था, किससे, पाइरूविक एसिड से। पाइरूविक एसिड आपका 3 कार्बन का कंपाउंड था और जो एस्टर कोएंजाइम बना था वो आपका 2 कार्बन का कंपाउंड था। वही हम लेते हैं यहाँ पे एस्टर कोएंजाइम ए, जो क्या है आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है। वही आपका जो माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, ऑक्सालोएस्टिक एसिड, जो कि आपका कितना है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, यहाँ से 4 कार्बन का कंपाउंड आया, यहाँ से आपका एस्टर कोएंजाइम जो क्या है 2 कार्बन का कंपाउंड है। दोनों में क्या हुई, रिएक्शन हुई, आपका 6 कार्बन का कंपाउंड आपका बन गया। कौन सा कार्बन कंपाउंड बना, सिट्रिक एसिड। सबसे पहला आपका जो क्रेब साइकिल में सबसे पहले बनने वाला कंपाउंड का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड। ओके, और आपका जो क्रेब साइकिल है उसमें जो आपका एस्टर कोएंजाइम किससे सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ऑक्सालोएस्टिक एसिड से, जो क्या है 4 कार्बन का कंपाउंड है। 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन इक्वल टू 6 कार्बन का कंपाउंड बना लिया। जो आपकी हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखते हैं आपका जो सिट्रिक एसिड है वो आपका चेंज होता जाता है 5 कार्बन के कंपाउंड में। ओके, यहाँ पे आपका एक CO2 लिबरेट हो गई, तो आपका 6 कार्बन थे, 1 कार्बन निकल गया, आपके 5 कार्बन बचे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो क्या है आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, इस स्टेप में क्या हुआ, आपका एक CO2 लिबरेट हुई प्लस 1 NADH मिला, हमें 1 NADH का फायदा हुआ प्लस 1 CO2 का मॉलिक्यूल निकला, उसके बाद आपका 5 कार्बन का कंपाउंड बना। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग, जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है जो कि आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है, वो आपका चेंज हो जाता है 4 कार्बन के कंपाउंड में। 4 कार्बन के कंपाउंड आपका बना सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे भी आपका 5 कार्बन से 4 कार्बन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 1 CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 CO2 का मॉलिक्यूल निकला और 1 NAD से 1 NADH मिला हमें। ओके, 1 NAD प्लस से 1 NADH मिला, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ATP से 1 ATP भी मिलती है,
यहाँ पे हमें एटीपी तो नहीं मिलती, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जीटीपी मिलती है। जीटीपी और एटीपी इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जीटीपी की जगह एटीपी को ही दिखा देते हैं। दोनों क्या होते हैं कार्बन, दोनों जो जीटीपी और एटीपी क्या है सेम मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें सेम एनर्जी होती, इसीलिए हम एटीपी और जीटीपी को इक्वल मान के यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एटीपी दिखा देते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, CO2 लिबरेट हुई और आपका एक NADH मिला और प्लस एक ATP का मॉलिक्यूल मिला। ओके, दो स्टेप हम लोगों ने देख ली। तीसरी स्टेप देखते हैं हम लोग, सक्सीनिक एसिड जो कि आपका 4 कार्बन का कंपाउंड बना है। ओके, अब ये आपका चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड भी आपका क्या है 4 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी CO2 नहीं निकलेगी। ओके, यहाँ पे हमारा एक FADH से एक FADH2 मिलता है, तो एक FADH से एक FADH2 यहाँ पे मिल गया। कब मिला, जब सक्सीनिक एसिड चेंज हुआ आपका मैलिक एसिड में। अब आपका जो मैलिक एसिड है वो आपका चेंज हो जाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है और आपका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे आपका एक NADH से एक NADH मिलेगा, तो हमने फाइनली क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है रीजनरेशन हो रहा है, मैलिक एसिड से आपका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन रहा है, तो क्या हो रहा है फिर से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन रहा है, तो इसको इस स्टेप को रीजनरेशन स्टेप भी बोल देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका क्रेब साइकिल को देख लिया। ठीक, क्रेब साइकिल में सबसे पहले क्या हुआ, एस्टेल को एंजाइम आया आपका लिंक रिएक्शन से, उसने ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन की और आपका 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका देन चेंज हुआ आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे सिट्रिक एसिड से हमें क्या मिला, एक NADH, यहाँ पे NAD से एक NADH मिला और आपका एक मॉल CO2 आपका लिबरेट हो गई और हमें क्या मिल गया, हमें फाइनली 5 कार्बन का कंपाउंड मिल गया। देन आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आपका सक्सीनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, सक्सीनिक एसिड आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपका एक CO2 का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, यहाँ पे हमें एक NADH मिलेगा प्लस 1 ATP मिलेगी। देन आपका सक्सीनिक एसिड आपका फिर से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड को रीजनरेट कर लेगा, दोबारा जनरेट कर लेगा, जिससे क्या हो सके साइकिल आपकी कंटिन्यू चलती रहे। सक्सीनिक एसिड ने आपका क्या बनाया, मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे हमें एक FADH से एक FADH2 का फायदा हुआ। देन आपका मैलिक एसिड चेंज हुआ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में, यहाँ पे हमें एक NADH से एक NADH2 मिला या एक NADH प्लस H+ मिला। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें, अब देखते हैं क्या क्या मिला, होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जो आपका लिंक रिएक्शन के बाद की जो रिएक्शन है उसको ही हम लोग क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने फाइनली क्या मिला, एक NADH यहाँ पे मिलता है, एक NADH जब आपका अल्फा ग्लूटारिक एसिड आपका सक्सीनिक एसिड में चेंज हो जाएगा होता है तब एक NADH मिलता है, प्लस यहाँ पे सक्सीनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है तब एक FADH2 का फायदा होता है, प्लस एक NADH यहाँ पे मिलता है। ओके, और एक हमें डायरेक्टली ATP मिलती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो आपका क्रेब साइकिल है उसमें क्या क्या मिला और किन चीज़ों का हमें फायदा हुआ। तो ये तो देख लिया हमने, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड से आपका एस्टर को एंजाइम है, एस्टर को एंजाइम आपका क्रेब साइकिल को चलाएगा या उसमें इनिशिएट करेगा। अब हमें देखते हैं क्रेब साइकिल से हमें क्या क्या मिला। ओके, हमें मिला 3 NADH + H+। ओके, तो जो आपकी 3 स्टेप है उन तीनों स्टेप को आप लोग ध्यान रखना कि किस स्टेप पे NADH बना। एक तो आपकी सबसे पहली स्टेप सिट्रिक एसिड जब आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज हुआ तब आपका एक NADH मिला, नहीं जब आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आपका सक्सीनिक एसिड में चेंज हुआ तब आपका एक NADH मिला, नेक्स्ट आपका मैलिक एसिड जब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में चेंज हुआ तब आपका एक NADH मिला, तो 3 NADH मिले। ओके, और आपका 1 FADH2 मिला। ओके, और आपका एक डायरेक्टली हमें ATP मिली। ये आपका हमें मिला एक सिंगल क्रेब साइकिल से। ओके, और साइकिल क्या चलती है आपकी, डबल चलती है। ओके, क्योंकि
आपका जो एस्टर को एंजाइम बने थे वो आपके दो मॉलिक्यूल बने थे, इसीलिए एक रिएक्शन यहाँ पे और सेम होगी, क्रेब साइकिल एक और चलेगी। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो क्रेब साइकिल चलती हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही क्रेब साइकिल को दिखाया, उससे हम लोगों ने क्या क्या मिला वो देख लिया। जब हम लोग इसकी काउंटिंग करेंगे कितनी एटीपी मिली, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्लूकोज के लिए काउंट करेंगे तो इसका क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ओके, ये तो हो गया एक सिंगल एसी साइकिल में, लेकिन साइकिल क्या चलती है, दो साइकिल चलती है, इसीलिए यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल बने वो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, 6NADH और आपका 2FADH2 और आपका 1 ATP। ओके, इतना कुछ हमें मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने जो बनाया है कि जो हमें टोटल एटीपी कितनी मिली है, या हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे तो वहाँ हमें टोटल कितनी एटीपी मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितनी एटीपी बनी और टोटल एक ग्लूकोज के टूटने से कितनी एटीपी का हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्लूकोज को हम लोगों ने फाइनली तोड़ लिया है। ओके, अब बस क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कंपाउंड बीच में बने हैं उनको कहाँ ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे, और वहाँ से हम लोग एटीपी को निकाल लेंगे। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपका बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे कहाँ से कितने एटीपी बने। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।